हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आदिल खान एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोग के साथ हमारे चैनल बनो भोपाल की आवाज़ में। आज हम आपको शो करा रहे हैं अदनान भाई भोपाल वालों के कलसरे कबूतरों का शो। और आप देख सकते हैं इस वक्त अदनान भाई अपने लॉफ्ट में हैं और वह हमें अपने कुछ चुनिंदा कबूतरों की जो कलसरे कबूतर उनके रामपुरी कबूतर हैं उनका शो कराएंगे। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान भाई, आज आप किस तरह के कबूतरों का शो कराने वाले हमारे व्यूअर्स को? मैं आप लोगों को बड़ा मतलब आप लोगों की मेहरबानी है जो आप लोग हमारे कबूतर दिखाते हैं चैनल पे और लोगों का शौक पूरा कराते हैं, तो इसके लिए मैं आपके चैनल को और आपको मुबारकबाद दूंगा। और मैंने जो पहले वीडियो डाली थी वो सही नहीं आई थी क्योंकि मेरे पास मोबाइल छोटा है, तो मैंने आपको वीडियो जो डलवाई थी वो ठीक नहीं आई है, तो उसकी वजह से मैं अब आप लोगों को जोड़ के हिसाब से कबूतर दिखाना चाहता हूँ कि कबूतर ये अपन बना रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों का शौक पूरा हो और अच्छा लगेगा आप लोगों को कि कबूतर अपन बना रहे हैं तो कुछ हासिल हो रहा है कबूतरबाजी में या नहीं हो रहा। और आप लोग देखेंगे माशाल्लाह कबूतरबाज, तो आप लोगों की ज़रा नवाजी होगी, थोड़ा मुझे बताते चले भाई ये सही है गलत है, या आप लोगों को थोड़ा जो मालूम हो वो भी मुझे थोड़ी सी आप लोग जानकारी दीजिए। और माशाल्लाह सारे लोग जो कबूतरबाजी करते हैं उन सबको मैं मुबारकबाद दूंगा और आप मुझे बताइए अगर कोई तरमीम करना है तो वो भी देखूंगा। चलिए अदनान भाई, अभी आप हमें कौन सी जोड़ का शौक करा रहे हैं? अभी अपन कलसरे कबूतरों का मैं आपको शौक कराता हूँ, अभी जोड़ दिखाता हूँ आपको, अभी शुरू करते हैं जी। चलिए दोस्तों, जैसा कि अदनान भाई ने बताया तो आपको कलसरे कबूतरों का आज शौक कराएंगे, तभी हम पहले देखते हैं कलसरे जोड़ अदनान भाई के हाथ में है, तो हम इस जोड़ को देखते हैं। तो ये देख कर बताएं आप जोड़ कैसी है। तो अदनान भाई, पहले तो आप इसमें नर मादा का डिफाइन करते हैं कि नर कौन सी? ये नर है। ये नर है, ये मादा ये वाली है। तो इनकी आँख का शौक करा दें हमारे व्यूअर्स को। एक बार देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कबूतर की आँख आप देखें और बताएं ये आँख कैसी है, कैसी लगी आपको इसे? माशाल्लाह बहुत अच्छी आँख है। और ये सब रामपुरी कबूतर है अदनान भाई, है ना आपके यहाँ के? हाँ। ये देखें आप व्यूअर्स आँख माशाल्लाह। अब इसकी मादा की दिखा दें आप आँख। देख सकते हैं ये रही मादा, और ये मादा की आँख आपको तो दिखा देता हूँ क्लियर करके। ये देखें आप आँख मादा की, और बताएं आपको कैसी लगी आँख, वहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कबूतर कैसे लगे अदनान भाई के। ये देखें आप एक जोड़ ये है व्यूअर्स, एक जोड़ ये भी है, ये भी कलसरी जोड़ है। एक आप ये देखें माशाल्लाह कबूतर, देखें आप कितने खूबसूरत कबूतर हैं माशाल्लाह, जैसे कि खूबी जो कबूतर होने चाहिए सारी खूबी इन कबूतरों के अंदर मौजूद है। तो अदनान भाई पहले इनकी आँख दिखा दें आप हमारे व्यूअर्स को, आँख का शौक कराएं हमारे व्यूअर्स को। ये अब इनकी आँख देख सकते हैं माशाल्लाह, जितनी भी आँखें अभी तक हम देख रहे हैं कबूतरों की सारी लाजवाब हैं। और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन से पैर की सबसे अच्छी आँख है और कौन सा पैर सबसे अच्छा लगा आप लोगों को, एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और एक कबूतर देखें, इसके अब कबूतर की आप आँख दिखा दें व्यूअर्स, ये उसकी फीमेल है, जब ये मेल छोड़ा गया है देखकर आप इसकी आँख देखें। थोड़ा सा कबूतरी कैसे करके दिखा दें। देखिए व्यूअर्स, ये कबूतरी है, काफ़ी अच्छी है, जिसे कहते हैं सुराईदार गर्दन, आप खुद देख सकते हैं कितनी लंबी गर्दन की कबूतरी है। ये हमारे सामने ये एक और तीसरा पैर आ गया है, ये भी कलसरे हैं। अदनान भाई, इनका जो कलेक्शन किया हुआ है आपने कलसरों का, क्या ये आपने रामपुर से बुलवाए हैं या यहीं से? नहीं, यहीं से कलेक्शन किया। अच्छा, यहीं से कलेक्शन किया है? रामपुर तो हम कभी भी नहीं गए। अच्छा, वहाँ ना जा कर के भी आप यहाँ पर अपना कलेक्शन कर सकते हैं इन कबूतरों का? जी जी। तो यहाँ आराम से मिल जाते हैं भोपाल में ये कबूतर? हाँ साहब, नज़र की पहचान, कबूतरवास को पहचान होना चाहिए कि कबूतर कौन से अच्छे हैं कौन से खराब। जी जी, एक बार इनकी आँखों का शौक करा दें हमारे व्यूअर्स को। ये नर है, अभी तहारी खाई है इन्होंने, चावल की तहारी खिलाता हूँ। अच्छा, तो वो स्पेशल इनके लिए बनाई जाती है कबूतरों के लिए? जी। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि स्पेशल जो डाइट होती है कबूतरों की,
वो भी अलग से बनाते हैं अपने अंडे अपने कबूतर के। और इस आँख के बारे में आप क्या कहते हैं व्यूअर्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक बार, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताएं। और कमेंट से ये होता है कि हम अपनी वीडियो को और भी अपडेट कर सकते हैं, या कोई हमसे कोई गलती हुआ तो हम उसको भी सुधार कर सकते हैं। ये तो हो गई नरकियाँ का धन, ये इसकी मादा की आँख दिखा दें हमें। ये उसके कबूतरी है, ये कबूतरी की आँख देखिए। माशाल्लाह। इस जोड़ के बारे में क्या कहते हैं आप व्यूअर्स, इस जोड़ के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। इसकी आपने आँख देखी है, कबूतरी देखें आप अभी। एक बार मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ, ये जो चावल देते हैं राइस, उसको स्पेशल बनाया जाता है सिर्फ कबूतरों के लिए अदनान भाई के घर, और कि कबूतरों के लिए बना के उनकी डाइट तैयार की जाती है। और अभी जब हम आए थे छत पर तो कबूतर अपनी डाइट ले रहे थे, तो ये स्पेशल कबूतरों के लिए ही बनाई जाती है, क्योंकि अभी सीज़न ऐसा चल रहा है, बारिश का सीज़न आ गया है थोड़ा सा, तो इसमें ताकि कबूतर बीमारी ना पकड़ सकते हैं, तरह तरह के इसमें मसाले मिक्स किए जाते हैं। चलिए शायद अदनान भाई और कबूतर ले आए, तो हम उनसे देखते हैं पहले, फिर हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे आपसे। एक पैर ये भी है अदनान भाई के यहाँ कल से रूम थे, वो ये देखिए हम कबूतर। मुझे अदनान भाई एक बात थोड़ा सा अपने पूछना चाह रहा था मैं, कबूतर आपके थोड़े से पीले पीले हो रहे हैं, क्या ये वजह है? ये अभी तहारी वगैरह आप खिला रहे हैं? जी जी, ये चावल जो खाते हैं तो उसकी वजह से हो रहा है। अभी कुरीदों में है कबूतर हमारे, कुरीद में पूरे कबूतर कुरीदों में है, इस वजह से अभी इनका रंग और कंठा पूरा साफ नहीं आ पा रहा है। जी जी, लेकिन फिर भी साफ होने के बाद तो काफी खुल गया है। ये अभी सीजन में देखेंगे आप तो इतने चमकदार कबूतर हैं कि मजा आ जाएगा। इनकी आँख का शोक करा दें आप, क्योंकि हमें पता है हमारे व्यूवर्स जो है माशाल्लाह खुद समझदार हैं, देख के ही समझ सकते हैं कबूतर क्या चीज़ है और किस नस्ल पे। देखिए व्यूवर्स इस कबूतर की आप एक बार आँख देखिए, इसमें कहते हैं रिंग्स सारे नज़र आते हैं, इस आँख में सारे रिंग्स नज़र आ रहे हैं। एक बार आप देखिए और क्या कहना है आपका इस आँख के बारे में, तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। चलिए हमें इसकी मादा के आप आँख का शो करा दें हमें एक बार। इसके कबूतरी है, इस कबूतरी की आँख देखिए, लगभग दोनों की आँख एक जैसी ही है, मुझे तो एक जैसी लगी। आप लोगों को क्या लगता है आप बताएं मुझे एक बार कमेंट करके। ये देखें आप, और अगर किसी को इस तरह के कबूतर बनाने हो या परचेस करना हो तो हम आपको नंबर दे देंगे, एक बार आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड अदनान भाई फिर एक जोड़ लेकर आए हमारे लिए, और काफ़ी ज़्यादा देखने में ही वो साफ शफकाफ कबूतर नज़र आ रहे हैं। तो एक बार चलिए हम इसकी आंखों को भी शो कर लेते हैं, कबूतर अदनान भाई इनके आंखों का शो कराएं हमारे एक बार व्यूअर्स को। तो कबूतर तो माशाल्लाह देखने में ही लाजवाब है, ये सारे के सारे अदनान भाई रामपुरी ही कबूतर हैं वाले। जी जी, ये देखिए आप काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रखा है अदनान भाई ने रामपुरी कबूतरों का, खासतौर से कलसिले कबूतरों का तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। ये आप आँख देखिए और क्या बताएं कि आँख कैसी है इसकी। ये देखिए आप, एक जो कबूतर में आँख होना चाहिए इस तरह की सारी खूबी इन आँखों में मौजूद है। अदनान भाई इसकी कबूतरी का और शौक करा दें आप हमें एक बार। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी एक बार आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा इनकी आँखें आपको कैसी लगी कबूतरों की। और जी हाँ, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो हमें कमेंट्स और लाइक करके अप्रिशिएट ज़रूर करें। चलिए व्यूवर्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि सिंगल कबूतर क्यों हाथ में अदनान भाई किया था, बीच हम जोड़ों का शो कर रहे थे, तो इसकी वजह भी बता दूँ। ये कबूतर जो है अपने माँ बाप के जितनी झोल कहते हैं कि बच्चों काटने के बाद एक ऐसा निकलता है कि हर औलाद सिकंदर नहीं निकलती, लेकिन एक औलाद ज़रूर सिकंदर निकलती है। ये वही सिकंदर है जो अदनान भाई के घर में निकला है। आप एक बार देखें इस कबूतर को, और जो चमक मैं इस कबूतर के अंदर देख रहा हूँ शायद आपको भी दिख रही होगी, वो जो क्वालिटी इस कबूतर के अंदर है
जिसमें खूबियाँ आई हैं रामपुर के कबूतरों में, जो खूबियाँ रहती हैं सारी खूबियाँ उस कबूतर में आई हैं। तो एक बार अदनान भाई से मालूम करते हैं। अदनान भाई, कितने झोल के बाद ये कबूतर निकला था आपके यहाँ? ये साहब सात भाई भाई निकले हैं, उसमें एक ये निकला है। और जोड़ मैंने डाली थी कि तमन्ना थी कि एक कबूतर इसमें से ऐसा निकलेगा, तो अल्लामिया ने मुराद पूरी कराई। तो अदनान भाई, काफ़ी चर्चा सुनी हमने इस कबूतर की भोपाल में जी। ये इस तरह के कबूतर बहुत कम निकलते हैं जोड़ों में, तो ये जो कबूतर निकला है जी, तो ये कौन से खास बात क्या होती है इन कबूतर में, कौन से कहलाते हैं? साहब ये हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, हमने देखा तो नहीं है ना, कोई हम इतने बड़े कबूतरबाज हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बताते हैं और बुज़ुर्ग बताते हैं, ये चंदा खानी कबूतरों में से निकलते हैं। चंदा खानी में से, जो कि काफ़ी अच्छा खासा नाम मशहूर है, रामपुर का मशहूर है। तो ये कबूतर आम नहीं निकलते ना मिलते, ये मिलते भी नहीं, रेयर कबूतर है। हज़ारों में अगर एक कबूतर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बार हमें इसकी आँख का शुक करवाए अदनान भाई आप। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं इसकी आँख का शुक करते हैं, आँख भी इसकी लाजवाब है। और एक चीज़ में ख़ास चीज़ देखी मैंने इस कबूतर में, इसकी आँख जो है काफ़ी ज़्यादा उभरी हुई है, बाहर साइड में निकली है। जैसे कि हमारे उस्ताद बताते हैं कि आँख बाहर होना चाहिए तो वो कबूतर कभी नहीं पिटता है। तो उस तरह के कबूतर बहुत कम देखने मिलते हैं। आप एक बार इसकी आँख देखें, और अभी मैं आपको उसके बाहर से भी आँख दिखाऊँगा कि आपको अलग समझ में जाएगा कि हाँ इसकी आँख थोड़ी सी उभरी हुई है। बस क्या कहते हैं आप इस कबूतर के बारे में, साफ सुथरा, देखें आप इसे एक बार। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बनो भोपाल की आवाज, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ शेयर भी करें, भाइयों का चैनल है यार।